हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं कंपनी हवलदार मैनेजर फीरू सिंह शेखावत जी के बारे में। इनका जन्म राजस्थान में हुआ था और ये राजपूताना राइफल्स में थे, बट जब इनकी भर्ती हुई थी 1936 में अंग्रेज़ों के टाइम पे, तो ये उस समय पंजाब रेजिमेंट में थे। और आज़ादी के बाद जब फिर से चीज़ें बदली तो ये राजपूताना राइफल्स में आए। तो ये काफ़ी अच्छे जो है स्पोर्ट्स पर्सन थे और ये इंस्ट्रक्टर थे पंजाब रेजिमेंट के अंदर। और स्पोर्ट्स में ये हॉकी खेलते थे, बास्केटबॉल खेलते थे, क्रॉस कंट्री रनिंग करते थे, इंटर रेजिमेंटल लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी ये चैम्पियन थे। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हुआ तो इनको ब्रिटिश ने कॉमनवेल्थ ऑक्यूपेशन फोर्स के तहत जापान भेजा, जहाँ वो सितंबर 1947 तक रहे। और पार्टीशन के बाद राजपूताना राइफल्स में आ गए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले पंजाब रेजिमेंट थे। तो अक्टूबर 1947 में ये रिटर्न हुए जापान से इंडिया में, ठीक है। बट उससे पहले ही जुलाई 1948 में जो है पाकिस्तान ऑफेंसिव हो चुका था टीथवाल सेक्टर में और उसने कैप्चर कर लिया था रिंग काउंटर 8 जुलाई को, ठीक है। फॉरवर्ड पोजीशन पे जो उस समय वहाँ पे लोग थे उन्होंने रिट्रीट किया और जो है काफ़ी हद तक 4 दिन तक इंटेंसिव बैटल के बाद वो एरिया कैप्चर किया। पर फिर भी जो है आपका एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी वो पाकिस्तानियों के पास बनी हुई थी, ठीक है। बाद में जब अक्टूबर में हमारे CHM साहब वापस आए तो इन्होंने जो है जाहिर सी बात है बैटल ज्वाइन की। और बैटल ज्वाइन करने के बाद जो है धीरे धीरे जो है ये भी जो है टीथवाल सेक्टर की तरफ आ गए, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे 2 कंपनियाँ साइन हुई थी C और D, ठीक है, जो एडवांस करा था पाकिस्तानियों ने स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे, उसको धीरे धीरे इंडिया ने कैप्चर करना शुरू किया था, ठीक है। तो जो डी कंपनी थी उसने जब अटैक किया था तो वो अटैक जो हुआ था जस्ट 1 मीटर की दूरी से हुआ था। पाकिस्तानी वहाँ पे काफ़ी पास में थे तो वहाँ पे हैवी शेलिंग हुई थी और हमारे जो है डी कंपनी जो हमारी थी उसकी कैजुअल्टी 51 हुई थी और 51 कैजुअल्टी से सीधे जो डी कंपनी की स्ट्रेंथ हो गई थी 50% हो गई थी, ठीक है। जिसमें हमारे सिंह साहब भी थे, पीरू सिंह शेखावत साहब भी थे, तो ये अपने आधे लोगों के साथ जो है आगे बढ़े और इन्होंने बहुत जल्दी जो है वो एरिया रीगेन कर लिया, अपने इंडियन टेरिटरी में जो है कैप्चर कर लिया, दोबारा से इंडिया ने कैप्चर किया। बट जब उन्होंने एरिया कैप्चर किया तो उनको पता चला कि पूरी की पूरी टीम में वो अकेले ही बचे हैं, या तो आधे लोग वुंडेड हो चुके हैं या डेथ हो चुकी है उनकी, ठीक है। और इनके पास गोलियां भी ख़त्म थी। जब इनके पास गोलियां ख़त्म थी तो जस्ट इनके आगे आके ग्रेनेड फटा और इनको ऑलमोस्ट ही गॉट ब्लाइंड, क्योंकि ग्रेनेड फटा तो कुछ दिखा नहीं, तो ये ट्रेंच में कूद गए और जो बंदूक के आगे जो आपका एक चाकू टाइप की चीज़ लगी होती है बंदूक के आगे, उससे जो है इन्होंने 2 पाकिस्तानियों को ट्रेंचेस में ही मार दिया। और जैसे ही उस ट्रेंच से कूद के दूसरे ट्रेंच में जा ही रहे थे तब तक एक गन शॉट आया और इनके सिर में लगा और यहीं उनकी जो है डेथ हो गई थी। तो ये जो है पूरी की पूरी आप स्टोरी है CHSM पीरू सिंह शेखावत जी की। बहुत बहादुरी से इन्होंने लड़ा और वो अगर गन शॉट नहीं आता तो ये अगले ट्रेंच में कूद गए थे, वहाँ भी जो है ये निपटा देते कुछ लोगों को, बट कोई बात नहीं, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। तो स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।